हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के अपन वापस से खेलने ट्रेड लाइफ सिमुलेटर। एंड थोड़ा मैं ऑफलाइन ग्राइंड कर रहा था मैं, इसलिए कि जब अपन ने स्टार्ट किया था तो अपने पैसा बिल्कुल नहीं था, बेसिक स्टार्ट था। तो मेरे को नए इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदने के लिए बेसिक तो चाहिए था अपने को, कि एक बेसिक अमाउंट आ जाए अपने पे। तो मैंने थोड़ा सा ऑफलाइन खेला इसको, आई थिंक अराउंड 9-10 घंटे एग्जैक्टली, पता नहीं बट शायद 8-10 घंटे। तो अभी अपने पे आई थिंक हो चुका है कि अपन थोड़ा बहुत इक्विपमेंट ला पाए, एंड आई थिंक मीट वगैरह ये सब ले लेंगे। तो एक बार देखते हैं, वो ऑलमोस्ट लाइक 10,000 ऑलमोस्ट हो चुका है अपने पास। तो अपन लोग ना अभी एक बार शॉप पे चलते हैं, इसलिए शॉप पे स्टॉक भी भरा है। मतलब जो जयपुर के शॉप पे होता है तो काफ़ी कुछ स्टॉक है उसका, एंड वेजिटेबल्स भी मैं लाया तो था। अभी एक बार चेक करना पड़ेगा मेरे को कि उसमें कितना है या कितना खत्म हो गया, बट बेसिक स्टॉक तो है अपने पास अच्छा खासा। तो अपने को मेजर रहेगा, इक्विपमेंट लेना है एंड मीट वगैरह लेना रहेगा। तो ओके, काफ़ी कुछ बिक भी चुका है बट ठीक है, थोड़ा बहुत स्टॉक है अभी, दिक्कत नहीं है। इससे भी आई थिंक अराउंड 1000 के आसपास आ जाएगा, 1000 या 1500 ऐसा कुछ। तो ये अपन चलने देते हैं, मैं एक बार ये देख लेता हूँ। एंड मेरे को एक बार कोई ये बताना, जैसे ये फूड एंड वाटर लो है तो जैसे मैं अभी ये पीऊँगा तो ये 2 या 3 कैंस ले लेता है एक बारी में। तो जैसे जब जैसे ये थोड़ा कम होता है तो मैं पीऊँगा तो एक ही लेगा, या इतने पे भी 3 लेगा और इतने पे भी 3 लेगा। तो एक बार मेरे को वो कोई बता देना नीचे, अगर किसी को आइडिया एग्जैक्टली इसके बारे में। एक बार अपन फ्रेश हो जाते हैं, फिर निकलते हैं अपन इक्विपमेंट वगैरह खरीदने के लिए। तो पहले तो देखो अपने को मेरे ख्याल से ये तो अभी भी काफ़ी है, इसका अपने को बस रखना है ये वेजिटेबल वगैरह, तो इसके लिए इतना काफ़ी है। तो मेन अपन जो है फ्रिज वाले लेते हैं जाके, पहले तो बड़ा शेल्फ वगैरह देखते हैं, अगर पैसा बचता है तो वो भी लूँगा। तो मैं आई थिंक हाउस होल्ड का ही लेता हूँ, कि हाउस होल्ड का आइटम अपना नेक्स्ट वही रहेगा अपग्रेड मीट वगैरह के बाद, तो अपन वो देखते हैं। एंड आई थिंक हो जाना चाहिए मेरे को लग रहा है 10,000 में। वेजिटेबल का मैं लूँ या ना लूँ ये सोच रहा हूँ, इसलिए कि वेजिटेबल तो मेरा उस पर भी बिक रहा है और उस पर जगह है अच्छी खासी अभी भी, इसलिए कि मैं काफ़ी बार पूरा स्टॉक लेके आया हूँ, जेबर का जितना होता है सब लेके आया था मैं, वेजिटेबल भी सब लाया, फिर भी जगह बच रही है अपने पे थोड़ी बहुत। तो आई थिंक अभी के लिए वेजिटेबल रहने देते हैं, उसी पर अभी चला लेंगे। जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा ना तो अपग्रेड तो करना ही अपने को अच्छे से, तो वो टाइम पर अपन लोग देखते हैं कि मैक्सिमम क्या है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ वो सब लेने से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा अपन फ्रिज लें, इसलिए कि मीट एंड मीट में अपना अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। यस, मैं यहाँ क्यों आ गया, सॉरी भाई, आके मेरे को आदत हो गई है कल्टी जो 2-3 दिन से यही आ रहा हूँ ना धड़ाधड़, तो दिमाग में यही बैठ गया लोकेशन। इक्विपमेंट आई थिंक आगे है ना जेबर के, हाँ आगे है, गेमिंग के पहले रहेगा। ओके, अपना रेटिंग काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है बट घट भी उतने ही अच्छे से रहा है अगर देखें अपन तो। मेरे को ज़रूरी भी है कि हिसाब से आई गेस, मेन मेरे को मीट का है, मीट अगर हो जाएगा तो आई गेस उसमें सबसे मैं श्योर नहीं हूँ मैं, बट लग रहा है कि उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। अभी अगर मैं ये देखूँगी इसमें, देखो ये तो छोटा, ये दो बड़े हैं। अभी मैं ऐसे अगर देखूँ तो इसमें अपने को थोड़ी ज़्यादा जगह मिल रही है, तो ये एक चाहिए तो ले सकते हैं अपन 700, एंड एक ये मान लो 7, 8, 9, 10, 1100 का ये हो गया। अभी जो मेन चीज़ है, एक तो ये लेना है, ये दो में मेरे को फ़र्क भी कुछ नहीं लग रहा है, कुछ होता है क्या फ़र्क, मतलब साइज़ तो सिमिलर ही लग रहा है। एक के ऊपर एक आई डोंट थिंक लगा सकते हैं अपन, ये एक हो गया, ये तो केक्स के लिए हो गया ना। अभी सीन ये है कि इसमें और इसमें से लेना क्या है, सबसे बड़ा टेंशन ये। इसमें अगर मैं देखूँ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, ये कितने में अपना 8, 1000 ना, ये 2000, तो उससे काफ़ी जगह मिल रही है। ऐसे भी अगर देखो तो आई थिंक इसी में अच्छा मिल रहा है, तो अभी के लिए आई गेस ये एक ले लेते हैं भाई, कमाने इतना पैसा लगा खत्म फटाफट हो गया। तो अपना मान लो अगर मीट इसमें हो गया प्लस एक फ्रिज, तो मैं फ्रिज सोच रहा हूँ तो $200 की बात है ना, तो आई गेस यही ले लेते हैं, शायद एक के ऊपर एक आ गया तो ठीक। प्लस
केक्स हो गया, तो देखो अपना इसमें मीट हो जाएगा अच्छा खासा, एंड इसमें केक हो जाएगा, इसमें आइसक्रीम वगैरह हो जाएगा आई गेस। एक और चाहिए होगा मेरे को लग रहा है, आइसक्रीम हो तो जाना चाहिए शायद, पाँच चार पाँच ही होता है ना। ओके अगर मैं वो देखूँ एंड प्लस अगर ये देखूँ मैं 400 एंड ये 7 ना 8 9 10 11 100, तो आई गेस ये भी मतलब जरूरत नहीं है ये दो का मेरे को। मैं सोच रहा हूँ लू या ना लू, ये सोच रहा हूँ एक काम करते हैं, ये नहीं लेते हैं। अगर फ्रिज अपने को लगेगा तो पहले वो ले लेते हैं, अगर फ्रिज की जगह हो जाती है ना तो ये ले लेंगे आके, अगर जैसे फ्रिज की जरूरत नहीं लगती है। प्लस मेरे को एक चीज़ देखना था कि जो अपना हाउस होल्ड का होता है उसके लिए क्या ये बेस्ट होता है, कि ऐसा कुछ है क्या कि तुम कहीं पे भी रख सकते हो, जैसे लिखा तो शेल्फ ही है तो एग्जैक्टली ये समझ नहीं आ रहा। अगर ये जैसे 2000 है, 1000, एक सेकेंड, ये दो का, बट अपने को देखो 2000 में ऑब्वियसली फायदा हो रहा है। अगर ऐसे में देखो तो ये 1700 का, इसमें भी एक दो तीन चार, ये शायद एक ही साइड है ना कि दो साइड है, एक ही साइड है। ओके मेरे को बस एग्जैक्टली ये चेक करना है कि हाउस होल्ड का ऐसे कुछ तो नहीं है ना कि इस पे या उस पे बिकेगा। आई गेस उस पे ले सकते हैं, ले लूँ क्या, एक एक ले लेते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। तो देखो अपने पे एक ये हो चुका हाउस होल्ड, मीट, फ्रिज आई गेस, क्या क्या है, फ्रिज ही तो है पूरे नाम। अच्छा एक तो ये हो गया, ओके एक वो हो गया, एक ये हो गया एंड ये आई गेस केक का हो गया एंड वो हो गया। ओके तो अपने को ये एक बचा है, बट इसका तो अपने शॉप पे एक स्टोरेज एक जगह है वही है वेजिटेबल, ये दो की जरूरत है नहीं अभी, प्लस ये तो है काफी। ओके एंड ये अगर मैं देखूँ तो इसमें क्या आएगा अपना, आई गेस इसमें काफी वो आ जाएगा ना, एक ये ले लेते हैं अपना छोटा मोटा आइटम के लिए। एक बार चलते हैं अपन शॉप पे, जमाते हैं अभी, इसलिए कि 3000 बचा है ना ऑलमोस्ट 4000, तो इसमें अपने को काफ़ी सारा सामान भी बाई करना पड़ेगा। काम करते हैं ना पहले आइसक्रीम वगैरह ले लेते हैं जेबर से, यही है ना, फिर वापस क्यों आना यहाँ पे इतनी दूर मीट के लिए आएगा तो वापस। हाउस होल्ड का एक बार देख लूँ क्या, इसका प्राइस एक बार देखते हैं कितना जाता है, आइडिया तो आ जाएगा एक। अगर ये मैं भाई साहब 120, ओके 270, अब ठीक है आई गेस, उतना कुछ ओवर प्राइस तो नहीं लग रहा है मेरे को, ले तो पाएंगे अपने पे पैसा तो है। अगर गिनो मैं तो 170 प्लस ये 3 400, 5 6 7, 8.5 9 मान लो मोटा मोटा, एंड ये हो गया मतलब 11, ओके 11 12 मोटा मोटा 1300 में ये आ जाएगा अपने को सब, आई गेस पीछे तो कुछ आता नहीं है ना। हाँ 1300 में ये सब हो जाएगा, एक बार ले लूँ क्या वो भी, एक काम ये तो मैं रख नहीं पाऊंगा, एक काम करते हैं अभी वो ले लेते हैं जो जो अपने पे आ रहा है कम प्राइस में, डिस्काउंट पे जो चल रहा है या जो $1-2 महंगा होगा, फिर अपन देखते हैं क्या क्या करना है। ये तो महंगा, ये छोड़ दे, ये बिकेगा कि नहीं ये मेरे को। ओके अच्छा 30% रेटिंग चाहिए ना, अच्छा 18 ही, ओके तो कोई नहीं अपन काम करते हैं रेटिंग बढ़ा लेते हैं फिर आता है अपन। आई गेस मीट वगैरह के लिए तो नहीं लगेगा कुछ ऐसा। अभी अपने को जाके शॉप पे बढ़ाना भी रहेगा, तो एक काम करते हैं या तो पहले जाके जमा देते हैं फिर मीट ले लेंगे पहले, फिर अपन जेबर पे आते हैं, इसलिए कि जेबर का तो काफ़ी कुछ है भी अपने पास, तो वो भी ले लेंगे, वो भी तब तक थोड़ा बहुत खत्म हो जाएगा। अभी अपने को बचा है बस एक ब्रेड स्टैंड है, वेजिटेबल है, वो अपना बेसिक स्टैंड पे बिक रहा है, तो उसका अपने को ऐसे ज़रूरत है भी नहीं, और पैसा काफ़ी कम बचा है अपने को, इसलिए कि मीट का प्राइस मेरे को आइडिया भी नहीं है। इसलिए कि अगर मैं जेबर से पूरा बाई करूंगा तो आई गेस अराउंड मेरे को 1500-2000 डॉलर जाएगा, आई गेस सब कुछ अगर लूँ, शायद उससे कम में होता है बट ठीक है, प्लस ये मान लो। तो अभी अपने पे जितना अमाउंट है इसमें अपना मीट छोड़ के मतलब जेबर का प्लस ये हाउस होल्ड चांस है कि ये आ जाएगा। अभी सीन है इसको मैं अभी के लिए ऐसे ही रख देता हूँ, ज़्यादा तो अपने को कुछ करना है नहीं अभी फिलहाल, पहले जमा ले। ऐसे कर देते हैं प्लस इसको आई गेस ऐसे कर देते हैं, मैं जा पाऊंगा ना यार आराम से। ओके नाइस,
अभी ये टेम्परेरी रख रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये अपन बाद में जमा लेंगे जैसे जैसे सामान आता जाएगा। मेरे को ये एक समझ नहीं आया कि इसमें इतना, एक सेकंड, इट अलाइन क्यों नहीं हो पाता है जल्दी। चलो आई गेस इतना ठीक है। प्लस ओके, ये तो फ्रिज हो गया अपना, इसका सब कुछ यहीं रख लेते हैं अभी। अच्छा, जाने के लिए जगह चाहिए होगी मेरे को, तो इसको अपन, ये देखो ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो अलाइन नहीं होता है ना, ये फ्लोर देखो, अगर देख रहे हो, ये सबसे बड़ी दिक्कत लगती है मेरे को, पता नहीं एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। ठीक है आई गेस अभी के लिए, अभी सीन है ये बड़ा फ्रिज, तो इसको पहले ये खाली कर लेता हूँ यहाँ से, फिर ये फ्रिज को भी लगा देंगे अपन। गैस इतना काफी होगा, ठीक है, इसका गैप बच गया ना थोड़ा, एक बार इसको भी देखते हैं थोड़ा। ये जो जो क्रॉस होता है ना, मेरा दिमाग खराब होता है, ये ऊपर के इतने क्रॉस हो गए, कितना सेट करने के लिए ट्राई किया फिर भी। ओके तो ओके, ऑलमोस्ट 4,000 है एंड अकाउंट में 300 करेंट बिल के लिए, ठीक है। वर्कर को अपग्रेड कर सकते हैं अपन उसकी स्पीड वगैरह, बट उसमें प्रॉब्लम ये है ना कि सैलरी भी उसकी हाई होगी, $300 हो जाएगी, तो अभी तो थोड़ा मुश्किल है, वो अपन बाद में कर लेते हैं उसको। मीट कहाँ से जाना है अपने को, शॉप के आगे की गली आई गेस, ओल्ड फर्नीचर, बेकरी एंड ओल्ड फर्नीचर के बीच की, तो बेकरी तो ये है, ओल्ड फर्नीचर ये है, तो यार लेफ्ट है या राइट है, एक सेकेंड, अगर ऐसे जा रहा हूँ तो लेफ्ट आएगा आई गेस, देखते हैं एक बार। अच्छा यही तो है आई गेस, हाँ शायद, देखते हैं जाके, नहीं होगा तो कुछ और मिल जाएगा। अबे कहाँ जा रहा हूँ मैं भाई, क्या टर्निंग की है भाई, बस मीट सस्ता मिल जाए यार, महंगा ना रहे, दिमाग खराब हो जाएगा। अबे यार मतलब देखो, मेरे को इसमें 10,000 करने, क्या इतनी क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई, जाने में टकराना, ये देखो टकराना तो नहीं चाहिए, क्यों टकरा रहा है। मीट तो यही है, अपने को 10,000 करने में इतना टाइम लगा था, एक खत्म होने पे आ गया धड़ाधड़, एक मतलब कितना लगता है इसमें, और अभी तो कुछ नहीं है। 10,000 जाना कहाँ हूँ, यहाँ पे आया नहीं हूँ, यहाँ पहली बार आ रहा हूँ मैं। ओके यही तो है आई गेस, क्या क्या आइटम, चार ही मिलता है क्या, ओके अच्छा 5 है ना। अबे यार आते ही महंगा भाई साहब, अरे यार भाई सब कुछ हद है यार। चलिए $60 ठीक है, ले सकती है, ठीक है $3, चलिए भी मैं ले लूँ एक टाइम पे। $12, ये देखो $28 भाई साहब, हट जाएगी भाई, क्या बाद में आके ले क्या, बट लेना तो है ना ये। $7, $3 ठीक है, दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत महंगा है यार, और ये लेके मैं रख भी नहीं, खराब हो जाएगा गैस। ये अच्छा जो अपन ने लिया उसमें आ जाएगा ना, ये पता चला यही चाहिए इसके लिए, तो कांड जाए। काम करते हैं, एक और मैं प्राइस देख लेता हूँ टोटल। ओके नॉर्मल 150, 150, 300, 380, 450, 550 समझो, तो ठीक है 500 प्लस हाउस होल्ड का अगर मान लो 1,200, तो भी 1,700-1,800, तो 2,000 बच रहे अपने पास इसके माल का, क्या जेबर का, आई थिंक हो सकता है, देखते हैं काम करते हैं। या तो मैं जाता हूँ फटाफट, अपन, मैं यहीं से आया था, कहीं और से आया था, मैं पता भी नहीं चल रहा है मेरे को क्या आया कहाँ से, तो मैं रास्ता ये नहीं लग रहा है मेरे को, ये था क्या रास्ता एक आने का, तो ये ले रहा है मेरे को, नहीं रे ये नहीं था आई गेस, हाँ यहाँ से आया था ना मैं शायद, कि नहीं ये रास्ता तो यहाँ तो है ही नहीं रास्ता, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे रुका आया था, तो पीछे है क्या कोई रास्ता, हाँ यहाँ से शायद आया था मैं, हाँ इतनी उबड़ खाबड़ रोड है, हाँ यही तो था, चलो ठीक है वरना घूम के जाना पड़ता।
अभी देखो हाउस होल्ड के लिए अपने को 30% चाहिए, तो उसके लिए अपने को आइसक्रीम वगैरह ये सब लाना पड़े। मेरा पहले दिन बहुत हो गया था, मतलब जब मैं ऑफलाइन खेला हूँ मेरा 50% 70% चला गया था, जो कि कुछ था भी नहीं मेरे पे, बहुत लिमिटेड आइटम था। फिर भी आइटम बढ़ा रहे ना तो रेटिंग और डिफिकल्ट होती जा रही है मेंटेन करना, तो ये तो मैं समझ गया। अभी ओके ओल्ड फर्नीचर तो यहाँ है अपना, क्या हुआ भाई सेल क्यों रुक गई? तो फ्रेंड तो आई होगी, जूस वगैरह फ्रूट भी लेना पड़ेगा एक बार, यहाँ से भी ले लेते हैं जो सस्ता होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी दो तो ले लेते हैं, ये सस्ता है तो। और कुछ ये तो उतना महंगा है नहीं, ये एक एक ले लेते हैं गैस, एक काम करता हूँ अभी यार। ठीक है एक ले लेते हैं, थोड़ा महंगा है बट क्या कर सकते हैं, अच्छा तो है, रखना तो है अपने को सब कुछ। इसलिए कि अभी अपना नेक्स्ट टारगेट है इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक में बाई करने जाऊंगा, मेरे को लग रहा है कम से कम 20-25 हज़ार डॉलर चाहिए अपने को उसके लिए। लेकिन उसका चलो टेबल वगैरह का तो दिक्कत नहीं है, टेबल तो अपन एक टाइम पे जुगाड़ कर भी ले, बट बाकी सब चाहिए अपने को। मैं यहाँ क्यों रखा हूँ, ये पीछे रखना था ना मेरे को, आई गेस देखते हैं पीछे ही रख देता हूँ शेल्फ पे। ओके आई थिंक वॉइस कर बिजनेस कैसे हुआ, कुछ कटा क्या सैलरी वगैरह? टाइम नहीं, सैलरी तो आई थिंक पहले ही कट जाती है ना। अभी इसलिए अपने को खराब ना हो जाए बस। तो खराब ना हो जाए पता भी तो नहीं, काम करते हैं छोड़िए, यही रखते हैं, वो जब हो जाएगा ना थोड़ा तो उसको अपन रख लेंगे, तो जाना चाहिए जल्दी। काम करते हैं इसको, देखिए ना इसको अपन यहाँ रख देते हैं कि याद रहे, ये है अभी ब्रेड, ये सब यहाँ आ जाएगा। ओके दिख तो गया सब कुछ, चलो ठीक है ला लिया था मैं, ज्यादा टेंशन तो नहीं अपने को, यहाँ लाना रहेगा। वैसे कर देते हैं अभी, ये हो गया प्लस, ये तो छोटा ही होता है, ये यहाँ आ जाएगा। इसमें एक दो चीज बहुत धीरे धीरे बिक रहा है, जिससे अगर मैं मान लो तो अच्छा बिक तो गया कॉफी वगैरह, ये पड़ा है डाइपर, बहुत देर से पड़ा है निकला नहीं है। तो भी आ जा, ये अलाइन नहीं होता है ना यार, ये सब तो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं कि वो लाइक फील्ड ऑफ व्यू की वजह से दिख रहा है या एक्चुअल, बट फ्लोरिंग का भी तो अलाइन नहीं हो रहा है। अभी अपने को क्या चाहिए, आइसक्रीम प्लस मिल्क ना, चलिए बंद तो होने ही वाला है, ये देख लेता हूँ मैं। ठीक है सब कुछ ठीक है, जल्दी बंद हो जाएगा तो अपन एक काम करते हैं जाके बाई कर लेते हैं, जमाना पड़ेगा सब कुछ अपने को। ठीक
ओके गाइस, तो अपन ने अभी ऑलमोस्ट सब कुछ ले लिया है एक, मतलब दो तीन चीजें छोड़ दी है मैंने, जो बहुत ज्यादा फ्रैक्चर रहा था, दो तीन डॉलर का एक्स्ट्रा था वो भी ले लिया है मैंने, तो इतना सब तो अपन ने बाई कर लिया है अभी। एक काम करता हूँ ना, मैं इसको ऐसे ही लगा के थंबनेल के लिए फोटो भी ले लूँ ना, इसलिए कि फिर मेरे को अलग से खींचना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा झकझक होगा, ऐसे ले ना सामने से, नहीं अच्छा नहीं लगेगा, ज्यादा कैसे दिख रहा है। ओके ऐसे आई गेस ज़्यादा दिखेगा। अच्छा किसी को पता है तो बताना कि यूआई गायब होता है या नहीं। चलो ये तो हो गया, अभी ये भर लेते हैं फटाफट, जाके शॉप पे रखते हैं अपन। ये एक दिक्कत है, जो दो दो ही आता है ना वो दिक्कत है यार, अगर 3 दिन का हो जाता जुगाड़ तो सही था। 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ही आता भी है। मैं अगर ऐसे घुमा के रखूँ या मतलब 3x3 रखूँ या 2x4 में रखूँ, आएगा उतना ही। अपने को वो पिकअप ट्रक तो नहीं, आई गेस वो ऐप ही ले लूँगा मैं अभी फ़िलहाल के लिए, वहीं पे अपने को ऐप में एक बार ही में ज़्यादा मिलेगा, एक ही बार में पूरा बाय कर लेंगे। 25-25 डॉलर आई गेस लेगा या लेता है या नहीं, मेरे को शायद ऐप में जाने का नहीं लेगा, ऐप ऑर्डर करने के टाइम जो वेयर हाउस में जाते हैं उसका कुछ चार्ज नहीं होता है, तो वो देखते हैं क्या है उसका फिर। बट अभी तो बहुत टाइम है, इसलिए कि अपने को अभी देखो अपने पे 1100 डॉलर बचा है, अभी इसमें 1000 1000 बोलो सॉरी 100 डॉलर तो ये कटेगा अपना वर्कर, जैसे ही स्टोर ओपन होगा सुबह 1000 डॉलर बचा उसमें अपना मीट आएगा, तो हाउस होल्ड के लिए तो अभी है भी नहीं पैसा, तो अपने को पहले हाउस होल्ड का देखना पड़ेगा। ओके पहले मैं ये सब भर देता हूँ यहाँ लाके, फिर अपन फुर्सत से उठाते हैं, मतलब जमाते हुए बहुत टाइम लगने वाला है भाई इसमें जमाना करना, ये मैं 2 दिन से देख लिया कर करके भाई, बहुत मेहनत लगती है इसमें, लाने में दिक्कत नहीं, एक टाइम पे जमाने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए कि ऐसा स्लॉट भी नहीं है ना कुछ ऑप्शन की एक ही बार में तुम पूरा बॉक्स जो भी है ना 5 आइटम एक ही साथ जमा दो, तुमको 1x1 ही जमाना पड़ेगा कि चलो मैं निकालता एक ही बार में, ऐसा एंगल कुछ होता कि मैं सेट कर लेता तो बहुत ज़्यादा, इसलिए कि अभी चलो स्टॉक अपना थोड़ा ही बढ़ रहा है तो इतनी दिक्कत है भाई, जब मान लो अगर पूरा स्टोर भरा है तो कितना दिक्कत होगा अपने को वो टाइम पे, कि इलेक्ट्रॉनिक भी हो गया अपना, हाउस होल्ड भी हो गया, टॉय भी हो गया, गेमिंग आइटम्स भी हो गया, फिर ये जेबर का हो गया, सबसे ज़्यादा तो है कि जेबर का ही टाइम लेता है, इसलिए कि मीट वगैरह तो उतना होता नहीं है गेमिंग का आइटम ये सब, तो सबसे क्या है। चलो गाइस अपना हो गया फाइनली, ये फोर्थ ट्रिप रहेगा अपना, एंड मैं सोच रहा हूँ ये वाटर बॉटल मेरे को पता नहीं चल रहा कि मैं लाइक स्मॉल लूँ या लार्ज में कुछ फर्क होता है, इसलिए कि ये दो कंजम्पशन होता है, ये भी आई गेस दो ही होता है, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, मैं एग्जैक्टली मेरे को आइडिया नहीं आ रहा है इसका, तो ये ले लेते हैं अभी खाने के लिए, प्लस ये ले लेते हैं गैस, ये अपन रख लेंगे अभी अपना खाना पीना, निकलते हैं भाई लोग। और अपना देखो काटा भी आ गया स्पीडोमीटर में व्हीकल में, पहले नहीं था ना आई गेस, लास्ट वीडियो में भी नहीं था वो, पता नहीं क्यों, या तो मे बी सेटिंग मैंने पूरा मैक्स कर दिया है, सेटिंग अल्ट्रा वगैरह तो शायद उसलिए दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था। चलो फटाफट अपन स्टोर पे चलते हैं अपने। हाँ तो आ गए भाई लोग अपन लोग स्टोर पे, एंड अभी मेन हसल चालू होने वाली है ये जमाने की भाई, ये सब ये तो अपना खाना है, तो इस पे काम करता हूँ, यहाँ रख देता हूँ अपने को याद रहे, ये पी लेते हैं, अभी सबसे बड़ा टेंशन है ये जमाने का, ये सब भाई बहुत दिमाग खराब होता है ये, इतना इतना सब जमाने में फट जाएगी मेरी, अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा इसमें, आई गेस पूरा दिन इसी में लगने वाला है जमाने में। मेरे को जाके मीट भी लेना है अभी, अपने पे अप्रोक्स 1200 डॉलर है, ठीक है सामान तो अपन ने इसका तो ले ही लिया है, मीट आ जाएगा थोड़ा बहुत बचेगा, वो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस वर्कर वगैरह सेफ साइड, तो जो भी अभी अपना रेवेन्यू होगा उसमें अपने को जाना है हाउस होल्ड आइटम लाने, तब तक कहते हैं इस रेटिंग भी थोड़ी सही हो जाएगी, 30% शायद हो जाएगा वापस से, तो वो भी ला लेंगे जाके फटाफट।
बस ये है कि ये ना हो भाई कि मैं लाल हूँ कुछ, वो बिके ना फिर पड़ा रहे बस ऐसे ही, वो मेरे को नहीं चाहिए। मैं इसलिए और थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि एग्जैक्टली लाना क्या है या नहीं। अभी चलो ये जब आते हैं भाई, 18 18 ऑलमोस्ट आई 50+ बॉक्सेस है ये सब, मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये रखा कहाँ था मैं। चल तो छोड़ भाई, जहाँ जगह दिख रही है अभी वहीं जमा देते हैं पूरा स्टोर अपना। जब एग्जैक्टली बड़ा होगा एकदम से तभी आई गेस एकदम से ऑप्टिमाइज होगी कि यहाँ कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। ये हर चीज़ के लिए अपन अलग अलग शेल्फ रखेंगे कि हाँ ये ड्रिंक्स के लिए रहेगा, ये इसके लिए, ये इसके लिए। अभी तो आई गेस बस चलाना है अपने को जैसे मिल रहा है। ये क्या है, एक सेकेंड, रॉटन प्रोडक्ट मतलब क्या क्या था ये? फ्रिज का आइटम था शायद यार, क्या था भाई? लग रहा है मेरे को फ्रिज का कुछ आइटम था, ये खराब हो गया बे। यार एक तो दिक्कत ये है ना कि पता भी नहीं चलता ना कि फ्रिज का कौन सा ऐसा, अगर जैसे ध्यान ना दो तो यार। अब तब जब से तो देख रहा हूँ मैं, कुछ देर से देख ही रहा हूँ। ये देखो कितना टाइम हो गया अपने को, रात हो गई, सुबह होने आ गई वापस से। भाई अभी जमा ही रहा हूँ मैं, कब आए थे यहाँ पर भाई साहब? कितना टाइम लगेगा यार? और भाई अरे भैया अबे चलो भाई लोग हो गया अपना पूरा फिल। यहाँ इतनी जगह बच गई, मैं इतनी से इतना ज्यादा जमा दिया हूँ एक दूसरे में कि यह आधे से ज्यादा बचा है। यहाँ भी बचा ही है जगह। ये देखो अगर मैं मतलब आज प्रॉपर जमा हूँ ना तो आई गेस ये 3 में हो जाएगा पूरा, तो 1 2 3 और बचेगा मेरे पे, 4 बचेगा। अगर मैं डबल ला सकता हूँ सब कुछ जेबर से, प्लस आइसक्रीम्स हो गए, मिल्क, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है मैं कितनी चीजें लिया था। अगर ऐसे में गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 आइटम लिया था, आई गेस इतने ही लिया था शायद। ये जमा देते हैं फटाफट, तो अभी अपने पे आई गेस जिस पैसा भी अच्छा आ जाएगा थोड़ा, $2000 तो हो गया। ये हल्के हो जाते हैं, फ्रेश होते हैं, निकलते हैं अपन लोग भी मीट ले रहे, फिर आई गेस आज के लिए इतना काफी रहेगा। बीट ले रहे के बाद देखते हैं, या फिर और कुछ अगर रेटिंग देखूँ तो 24 ओके, तो अपन ये भी ले पाएंगे ना जाके अपना क्या बोलते हैं हाउस होल्ड मीट का काम था, मैं भूल गया। अच्छा बेकरी के बाजू की गली ना, ओके मतलब दूर उतना नहीं है, मीट का बहुत पास है भाई। मेरे को ये पता, ये आइडिया आ गया, मीट का बहुत पास है अपने को। मेन जो थोड़ा दूर है ना वेजिटेबल शॉप लगती है, वो भी लगती है, उतना ज़्यादा नहीं है। उससे ज़्यादा तो पता नहीं क्यों मेरे को जेबर का लगता है कि वो ज़्यादा दूर है, जितना वेजिटेबल से ज़्यादा पता नहीं क्यों होता है। शायद देखते हैं क्या रहते हैं अपन यहाँ से यूँ जाते हैं और वेजिटेबल, हाँ तो लाइक ओवरऑल मोटा मोटा उतना ही है, बट वेजिटेबल में टर्निंग है ना तो उतना नोटिस नहीं होता कि सीधा, और जेबर में सीधा सीधा जाना होता है तो रास्ता थोड़ा लंबा लगता है गैस। जाना कहाँ था अपने भाई, शायद यहीं पे। हाँ ओके, तो अभी अबे यार मैं सो के आया था, फिर भी प्राइसिंग उतनी ही है अभी। अच्छा थोड़ी कम हुई है सबकी, एक एक ले लेते हैं रुक, ये तो सस्ता ही है, प्लस $13, ये भी सस्ता है भाई साहब, $15 $13 ले लेते हैं यार, छोड़ो अभी आए हैं तो। मैं दो दो ले लेते हैं एक टाइम पे, बट अब एक तो अपने फ्रिज में जगह भी नहीं है, प्लस अपने को फ्रिज में जगह भी नहीं, और आई डोंट नो कितने टाइम में बिकेगा। प्रॉफिट देखते हैं कितना होता है, इससे ज़्यादा होना चाहिए आई गेस। ठीक है,
चलो अगर मैं मान लो यहाँ डाल दिया, तो लग रहा है एक और फिर चाहिए होगा अपने को। एक फ्रिज लगेगा अपने को और ग्राउंड में इतना, ये तो ज्यादा ही जगह ले लेगा। यस ओके। अभी इसको कैसे जमाएंगे अपन, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं को लगा एक ही आएगा, इतना बड़ा होता है यार। नीचे पूरा यही लग रहा है ना। काम करते हैं इसको, ये तो ऊपर भी नहीं जाएगा। अरे यार आएगा क्या यहाँ। काम करता हूँ इसको, थोड़ा अपन लेफ्ट राइट करते हैं। फिर और जाके वही ले लेंगे या तो क्या बोलते, अपना फ्रिज बाय कर ले फटाफट जाके। चलो भाई ये सब हो गया, ये दोनों के लिए अपन बाद में जमाते हैं, जगह मिलेगी तो जमाएंगे। एक फ्रिज चाहिए अभी अपने को पहले, ये हो गया फ्रिज प्लस हाउस होल्ड के 45% हाउस होल्ड आ जाएगा अपने को इतने में। काम करते हैं फटाफट जाते हैं, हाउस होल्ड लेके आते हैं अपन, बाकी सब हो गया अपने पे यार। फ्रिज अपन बाद में ले लेंगे, ऑफलाइन या तो मैं ले लूँगा, एक ही फ्रिज है ना, तो अगर हो जाएगा अमाउंट तो ले लेंगे। आगे सो तो जाएगा वो, करते हैं अपन वो। चलो ये भी हो गया अपना, एंड ये तो चल ही रहा है यहाँ पे, ये हो गया। यहाँ जगह मिलेगी तो ये दो को अपन रख देंगे यहाँ पे, तो इसका हो गया। बाकी यहाँ पे सब कुछ है, ओ रात भी हो गई। ये रेटिंग भी अपनी ठीक है 60। अच्छा ये तो हाउस होल्ड हो गया, इस पे क्या अपना शूज, ओके शूज वगैरह अपन आई थिंक कल बाई कर लेते हैं भाई, जब उसके लिए भी स्टैंड चाहिए होगा। यहाँ शायद दिखेगा नहीं शूज, शूज स्टैंड चाहिए प्लस एक फ्रिज, अगर एक और ही ले लूँ मैं तो भी आई गेस 1300 से 2000 का एक फ्रिज आने वाला है। शूज स्टैंड का प्राइस याद नहीं है, अप्रॉक्स 3000 आई गेस दोनों मिला के, तो प्लस ब्रेड स्टैंड, ब्रेड के लिए तो ये है, वेजिटेबल अभी यहीं रखेंगे अपन। तो आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी है, अपन कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, या कंटिन्यू इन देंस जैसे आज थोड़ा ये ना है, तो अब जैसे कल इलेक्ट्रॉनिक में इसमें कोशिश करता हूँ जाने की, बट उसके लिए ज़्यादा अमाउंट चाहिए, तो शायद कल ना आ पाए, परसों आएगा वीडियो, तो कोशिश करता हूँ मैं, जितना जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी कर देंगे अपन। तो तब तक के लिए थोड़ा वेट कर लो, 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन, इसलिए मेरे को थोड़ा बाहर भी काम रहता है, तो मैं 1-2 दिन घर पे भी नहीं रह पा रहा हूँ अभी 2-3 दिन से। तो जैसे मैं परसों खेला कल खेला, उसके पहले 1 दिन पहले मैं नहीं था यहाँ पे घर पे, तो इसलिए मे भी 2 या 3 दिन लगेगा मेरे को, तो तब तक होल्ड करो। एंड कोई सजेशन है तो मेरे को दे दो कि क्या क्या करना चाहिए, अगर कोई चीज़ आइडिया तो। बाकी तो जैसे जैसे अपना रेवेन्यू का, पहले तो अपन ये बढ़ाते हैं, इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, फिर जैसे ही अपना ये होने लगता है लाइक इनकम अच्छे से होगी, तो अपन अपग्रेड वगैरह प्रॉपर मारेंगे। तो आई गेस एंजॉय किया होगा आप लोगों ने, नए हो कोई तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, पुराने हो तो लाइक एंड शेयर कर दो, एंड कमेंट करके बताओ कुछ क्या करना है तो करते हैं अपन, या कोई नया गेम इसके साथ साथ कुछ। तो चलो वही मिलते हैं अपन लोग, बाय बाय, टेक केयर।